हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वुड वर्किंग टिप्स में। आज बात करने वाले हैं एल्यूमिनियम विंडो के बारे में, जो स्लाइडिंग विंडो होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, और कौन सा ग्लास लगवाना है, कौन सा लॉक लगवाना है, कौन सा एल्यूमिनियम यूज़ करना है, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये देख लीजिए, ये इसकी साइज़ है 4 फीट हाइट है और 4 फीट चौड़ाई है। ये 4x4 की जो स्लाइडिंग विंडो, ये 3 स्टेप में दिखाता हूँ आपको। ये 3 स्टेप में, 2 पल्ले इसमें कांच के हैं और ये 1 पल्ला जाली वाला पल्ला है। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको हमेशा कभी भी ग्लास डलवाएं तब 5 mm का, कम से कम 5 mm का ग्लास तो डलवाएं, और अच्छी क्वालिटी वाला ग्लास डलवाएं। अब लॉक के बारे में बात करते हैं, लॉक कौन सा डलवाते हैं। लोकल बहुत ही कंपनियाँ सारी आती है, लोकल में भी आती है, जो 20-30 रुपये का लॉक आता है। आप एल्बोस का लॉक डलवाइए, जो ओरिजिनल आता है, अच्छा क्वालिटी वाला लॉक आता है। और इसमें ग्रिल की बात करें तो इसमें 6 mm वाली एल्यूमिनियम वाली ग्रिल डलवाएं, ये 6 mm वाली एल्यूमिनियम वाली ग्रिल डलवाएं। और इसमें ये वायर गेज है वो वाला आप SS की डलवाएं। इसमें एल्यूमिनियम की भी आती है और लोहे की भी आती है, तीनों अलग अलग क्वालिटी में आती है। लोहे वाली आपको जंग लग सकता है और एल्यूमिनियम वाली भी आपकी बारिश में पानी में ख़राब हो सकती है। SS वाली डलवाएं, ये ध्यान रखें। और आपको इस ट्रैक में जो ये वूल दिख रहा होगा, ये नीचे की साइड देखिए, आपको दिखाता हूँ। ये वूल भी आपको, ये रबर की एक वूल है, ये भी आपको डलवाना है। ये ध्यान रखना है आपको, इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। हाँ तो दोस्तों, अब बात करते हैं एल्यूमिनियम सेक्शन के बारे में। एल्यूमिनियम कौन सा लेना है, इसमें 2 गेज अवेलेबल है, 16 गेज, 18 गेज। ये 18 गेज में बनाई हुई है, 16 गेज इससे भी हैवी आता है। इसकी रेंज, इसकी अगर कॉस्टिंग की बात करें तो ये 280 रुपये स्क्वायर फीट से चालू होती है, 300 रुपये स्क्वायर फीट तक रहती है। और जो 16 गेज की बात करें, जो 450 रुपये से स्टार्टिंग होती है। तो आप वो कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा अपनी विंडो के साइज़ के हिसाब से, कि आपकी साइज़ क्या है, 4x5 फीट है या 4x4 है। 4x4 के हिसाब से 16 फीट होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।